पहले की रिकॉर्डिंग में आया नहीं बहुत कुछ. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा. तो आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में, जो हम लोग परफेक्ट क्वेश्चन एंड परफेक्ट आंसर क्लासेस कंटिन्यू करेंगे. तो आज हमें चैप्टर 7 शुरू करना है. तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को पूछना चाहूँगा, कैसा लगा आपको 1 से 6 तक के थोड़े से सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा 1 to 6 तक लेसन, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग सकते हैं? नहीं मानसी जी, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ नई चीजें मिल रही हैं छोटी छोटी बुक्स में सीखने को. ये तो सही बात है. तो अभी केवल इंक्वायरी लीजिए, धीरे धीरे जैसे आप स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो सीधे समझ में आएगी. तो एकदम से रियलाइजेशन स्टेज पर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हिंट दिया जा रहा है जैसा, ठीक है? तो इन्फॉर्मेशन के तौर पर चीजों कलेक्ट करके खाली रखिए. धीरे धीरे ठाकुर जी आप लोगों को रिवील आउट करेंगे और जैसे जैसे आप एसोसिएशन अपना करती जाएंगी कृष्णा कॉन्शियसनेस में, उसके बारे में आपको अनुभूति भी होती जाएगी, तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाए, ठीक है जी? मोदी जी अंबिका, व्हाट अबाउट यू बेटा? मोदी जी ऐसे तो मतलब अभी तक तो कोई भी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जितना भी पढ़ा है वो आपने एक्सप्लेन कर दिया. तो इसलिए अभी वही मैं बोल रही एज ए इन्फॉर्मेशन हम रखें, क्योंकि काफी हाई फाई नॉलेज है इसका. लेकिन है कि ठीक है, हम इन्फॉर्मेशन के थ्रू लेते हैं और अपना चलते रहें कृष्णा कॉन्शियसनेस, ठीक है? तो आज लेसन 7 है कृष्ण भावना मृत में कर्म करना. तो इसका PDF आपके पास है अम्बिका? यस मैम जी. ठीक है, तो आप पढ़ोगे? पर प्रभुपाद की जो कन्वर्सेशन है वो यर्षिका पढ़ लेगी, और जो बीच में अगर बॉब के अलावा कोई कन्वर्सेशन है तो हम वो पढ़ लेंगे, और बाकी जो कन्वर्सेशन है बॉब के वो अंबिका आप पढ़ लीजिएगा. ओम अज्ञान निरांधस्य ज्ञानांजन शलाकृष्य रूपलिप्तं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. चैतन्य मनोभूतं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदाम्बेन ददाति स्वप्रदान्तिकम्. तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज भी बहुत ऑस्पिशियस डे है. कल तो था ही एकादशी, आज रुक्मणी द्वादशी है. रुक्मणी माँ का आज के दिन प्राकट्य हुआ था भगवान की लीला के लिए, होम लीला. तो आज के दिन उनका प्राकट्य हुआ था कौंडल्यपुर में. तो क्योंकि हमारे दीदी रुक्मणी द्वारकाधीश ही है, तो आज हमने रुक्मणी माँ का बर्थडे छोटे रूप में सेलिब्रेट किया. मुझे लग रहा था थोड़ा होता तो हम शायद प्रसाद वगैरह अब तो उनको बुला लेते. आज मैंने जलेबी बनाई भगवान को आप लोगों की याद आ रही थी मुझे. चलो बच्चे होते तो मैं तो कोई बात नहीं, जैसे छोटे रूप में हमें सेलिब्रेट किया. तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग भी प्रे कर सकते हैं रुक्मणी माँ से. रुक्मणी माँ जो है ये बहुत सुंदर भक्त हैं और राधा रानी की ही एक्सटेंशन है. और रुक्मणी माँ जो है वो उनसे सीखने को क्या मिलता है, जो मेन चीजें हैं वो कि भगवान का अगर हम ठीक से श्रवण करें है ना, तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते. रुक्मणी माँ ने कभी कृष्ण को देखा नहीं था, लेकिन सुनती थी नारद मुनि से और उनकी कथाएं, उनके बारे में, उनकी सुंदरता के बारे में. तो वो उन्होंने सुन कर ही ये तय कर लिया कि अगर मैं विवाह करूंगी तो मैं द्वारिकाधीश के साथ ही करूँ. तो कितना डिफिकल्ट है ना आज के टाइम में. यशिका आप लोगों के टाइम में तो मतलब बच्चों को दिखाया जाता है, मतलब जिनकी शादी हो रही है उनसे एंगेजमेंट कराई जाती है, बातचीत कराई जाती है. लोग एक हफ्ता एक साल ऐसे टाइम मांगते हैं कि हम लोग एक दूसरे को समझ सके फिर शादी करते हैं. और आप देखें यहाँ पे श्रवण सुनती थी है ना. और उनका रुक्मणी माँ का सबसे इम्पोर्टेंट है उनका लेटर,
लव लेटर जो उन्होंने लिखा था भगवान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और श्रीमद भागवतम में देखिए वो लव लेटर रखा गया ऐसा लेटर लिखना चाहिए, ऐसे व्यक्ति का सिलेक्शन करना चाहिए, सही चीज का सिलेक्शन करना चाहिए। हमने सो कॉल्ड मटेरियल नॉलेज लेके रखा है तो हमने अपनी बुद्धि का अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करके रखा है कि ये हमें दुख देगा, ये हमें सुख देगा, फिर ये चीज हमें सुख देगी, लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी चीज सुख नहीं देती बल्कि उसका हेडेक ही हो जाता है ना। तो डॉग कल्चर में सुख नहीं है, गॉड कल्चर में सुख है, ठीक है ना। तो सही व्यक्ति का आश्रय लेने से क्या होता है कि हमारे जितने गलत आश्रय हैं वो भी लाइनअप हो जाते हैं, समझ में आने लगते हैं, ठीक होने लगते हैं। तो सही आश्रय लीजिए, कहने का ये मतलब, जब आपकी उम्र में हम लोग थे तो हमें ये कोई बताने वाला नहीं था, तो बहुत कंफ्यूज रहते थे, भय रहता था लाइफ में, कभी कोई सिचुएशन आती जो समझ नहीं आता कि क्या करें, है ना। तो अभी आप लोगों को कम से कम पता है आप क्या हैं, आप शरीर हैं, आत्मा हैं, भगवान कौन है, देवी देवता कौन है, किनका आश्रय लेना चाहिए, कौन हमारे हैं, है ना, किसका आश्रय लेने से कौन से डेस्टिनेशन प्राप्त होते हैं, कौन सी डेस्टिनेशन कितने देर तक स्टे करती है। तो हमें पता चलता है कि अल्टीमेट जो हमारा आश्रय तत्व है वो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही है, तो सही लेना चाहिए। तो आज का जो ये टॉपिक है तो वो ये शिल्पा देखिए आपको बहुत बढ़िया बताएंगे, जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करते हैं उसमें जो हम एक्शन करें तो क्या करें, है ना। कृष्ण कॉन्शियसनेस में कर्म करने का मतलब क्या, तो शुरू करते हैं। एक सज्जन जो है जो भारतीय है वो शिल्पा से पूछते हैं किस प्रकार के कर्मों से मनुष्य सत्कर्म अर्जित करता है। सत्कर्म का अर्थ है वह कार्य जिनका वेदों में अनुमोदन है, यज्ञ करने पर विशेष रूप से बल दिया गया है। यज्ञ का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य, अतः सत्कर्म का अर्थ है वैदिक साहित्य में अनुमोदित किए गए यज्ञों का संपादन करना। जिसके कार्य प्रशासन को संतुष्ट करते हैं वही एक अच्छा तथा नियमों का पालन करने वाला नागरिक होता है, अतः परमेश्वर भगवान विष्णु को प्रसन्न करना ही सत्कर्म है। दुर्भाग्यवश आधुनिक लोगों को यह ज्ञात नहीं है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, फिर उन्हें प्रसन्न करने के विषय में तो कहना ही क्या, वह केवल भौतिक गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं, इसलिए वह सभी केवल दुष्कर्म ही कर रहे हैं, अतः कष्ट भोग रहे हैं। वह ऐसे अंधे हैं जो अन्य अंधों का नेतृत्व कर रहे हैं, दोनों ही दुष्कर्मों द्वारा पीड़ित हो रहे हैं। यह समझना अत्यंत सरल है, यदि आप कुछ अपराध करते हैं तब आपको कष्ट होगा, यदि आप देश तथा जनता के हित के लिए कार्य करते हैं तब लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, तब कभी कभी आपको पदवी भी प्रदान करते हैं, यह सत्कर्म तथा दुष्कर्म है। अतः सत्कर्म का अर्थ है आप किसी भौतिक सुख का भोग करते हैं, दुष्कर्म का अर्थ है आप भौतिक दुख से पीड़ित होते हैं। सत्कर्म से आपको एक अच्छे परिवार में जन्म प्राप्त होता है, आपको वैभव तथा धन प्राप्त होता है, आप एक पढ़े लिखे विद्वान बनते हैं तथा सुंदर भी बनते हैं। उस व्यक्ति के विषय में आपका क्या कहना है जिसे भगवान का अधिक बोध नहीं है किंतु तब वह एक पशु है। पशु को यह ज्ञात नहीं होता है कि श्रेष्ठ क्या है। वह व्यक्ति जिसे यह ज्ञात नहीं है कि भगवान क्या है अथवा जो भगवान को समझने का प्रयत्न नहीं करता वह एक पशु है। अबोध लोगों के विषय में आपका क्या विचार है। पशु अत्यंत अबोध होता है, यदि आप उसका गला काट दें तो वह विरोध नहीं करेगा, अतः बोध एक अत्यंत श्रेष्ठ योग्यता नहीं है। पशु सभी अबोध है, अतः आपको उनका गला काटने का अवसर प्राप्त होता है, अतएव अबोध बन जाना कोई बड़ी योग्यता नहीं है। हमारा प्रस्ताव है कि व्यक्ति को अत्यंत बुद्धिमान होना चाहिए और तब वह कृष्ण को समझ सकता है। एक अबोध अज्ञानी मूर्ख बन जाना एक श्रेष्ठ योग्यता नहीं है। सरलता ठीक है किंतु व्यक्ति को मूर्ख नहीं होना चाहिए। क्या आप मुझे पुनः बता सकते हैं कि बुद्धि क्या है। बुद्धि का अर्थ ये है कि व्यक्ति जानता है कि वह क्या है, यह संसार क्या है, भगवान क्या है, इन सभी के बीच के क्या संबंध है। पशु को यह ज्ञात नहीं होता है कि वह क्या है, वह विचार करता है कि वह यह शरीर है। उसी भांति जिसे यह ज्ञान नहीं है कि वह क्या है वह बुद्धिमान नहीं है। उस व्यक्ति के विषय में आपका क्या विचार है जो उचित कार्य करता है अथवा करने का प्रयास करता है तथा वह जो कार्य करता है उसके प्रति अचेत रहने के स्थान पर अत्यंत सचेत रहता है,
जैसे कि वह सेवक जो अपने स्वामी के प्रति अत्यंत वफादार है किंतु जानता है कि वह ईमानदार ना रहे तो वह भी पकड़ा नहीं जाएगा। कोई व्यक्ति किसी भी स्थिति में ईमानदार बना रहे तो क्या यह एक प्रकार का सत्कर्म है? हाँ, ईमानदार होना भी सत्कर्म है। सज्जन किस प्रकार बना जा सकता है, इसका वर्णन भगवद गीता में अत्यंत विस्तार पूर्वक किया गया है। दैवी सम द्विमोक्षया मोक्षाय निबंधायुसुरी मता। अतः यदि आप दैवी संपद दिव्य गुणों से युक्त हो जाते हैं तब विमोक्षाय आपकी मुक्ति हो जाएगी, तथा निबंधायुसुरी यदि आप आसुरी गुणों से युक्त हैं तब आप और अधिक बंधन में पड़ते जाएंगे। दुर्भाग्यवश आधुनिक सभ्यता को यह ज्ञात नहीं है कि मोक्ष क्या है तथा बंधन क्या है। वे इतने अज्ञानी हैं कि उन्हें ज्ञात नहीं है। यदि मैं आपसे प्रश्न करूं कि आप मोक्ष से क्या समझते हैं, क्या आप उत्तर दे सकते हैं? तथा यदि मैं आपसे प्रश्न करूं कि बंधन से क्या आप समझते हैं, क्या आप उत्तर दे सकते हैं? वैदिक साहित्य में मोक्ष तथा बंधन ये शब्द हैं, किंतु आजकल लोगों को ये भी ज्ञात नहीं है कि मोक्ष क्या है तथा बंधन क्या है। वे इतने अज्ञानी तथा मूर्ख हैं और फिर भी उन्हें ज्ञान में अपनी प्रगति पर गर्व है। आप एक प्रोफेसर अध्यापक हैं, क्या आप उत्तर दे सकते हैं कि मोक्ष क्या है? पर्याप्त रूप से नहीं, क्योंकि यदि मैं स्पष्ट कर सकता तो मैं अत्यंत शीघ्रता पूर्वक मुक्त हो जाता। किंतु यदि आपको ये ज्ञात नहीं है कि मोक्ष क्या है तब द्रुत अथवा धीमी गति से मोक्ष कैसा? सर्वप्रथम ये ज्ञात होना चाहिए कि मोक्ष क्या है। यदि आपको ये ज्ञात नहीं है कि रेलगाड़ी कहाँ जा रही है तब वह द्रुतगामी है अथवा धीमी है, ये पूछने तथा समझने का लाभ ही क्या है? आप प्रतिदिन मुझसे प्रश्न करते हैं, अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ क्षण विचार करना चाहूंगा। श्रीमद् भागवतम में मोक्ष का वर्णन किया गया है। मोक्ष के लिए संस्कृत का ठीक शब्द मुक्ति है, अतः श्रीमद् भागवतम में उसकी परिभाषा दी गई है। मुक्ति हितवान अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। मनुष्य को समस्त निरर्थक कार्य करना बंद कर देना चाहिए तथा अपनी मूल स्थिति में स्थित हो जाना चाहिए, यह मुक्ति है। दुर्भाग्यवश आजकल किसी को अपनी मूल स्थिति तथा उचित रूप से कार्य करने का ज्ञान नहीं है। आधुनिक जनता अपने जीवन के विषय में इतनी अज्ञानपूर्ण है, अतएव यह अत्यंत अटपटी स्थिति है, उन्हें ज्ञात नहीं है। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि ईमानदार कौन है? यदि किसी को यही ज्ञात ना हो कि ईमानदारी क्या है तब वह किस प्रकार ईमानदार हो सकता है? किंतु यदि आपको यह ज्ञात हो कि ईमानदारी क्या है तो आप ईमानदार हो सकते हैं। ईमानदारी क्या है, सर्वप्रथम इसकी व्याख्या कीजिए। आपको जो वास्तव में उचित लगे वही करना ईमानदारी है। एक चोर को अनुभव हो रहा है अपनी संतान के भरण पोषण के लिए मुझे चोरी करनी है, यह उचित है। क्या इसका अर्थ यह है कि वह ईमानदार है? कसाई विचार करता है, यह मेरा जीवन है, मुझे प्रतिदिन पशुओं का गला काटना ही चाहिए। ठीक वैसे ही वह शिकारी कौन है? नारद मुनि एक बार एक शिकारी से मिले थे तथा उन्होंने उससे प्रश्न किया, तुम इस प्रकार वध क्यों कर रहे हो? और उसने कहा, ओ ये मेरा व्यवसाय है, मेरे पिता ने मुझे इसकी शिक्षा दी थी। अतः वह ईमानदारी पूर्वक अपने कार्य को कर रहा है। अतः ईमानदारी की अनुभूति संस्कृति पर निर्भर है। एक चोर की संस्कृति हमसे भिन्न है, वह विचार करता है कि चोरी करना ईमानदारी का कार्य है। फिर ईमानदारी क्या है? हाँ यही मेरा प्रश्न है। वास्तविक ईमानदारी ये है कि आप दूसरे को संपत्ति पर अतिक्रमण ना करें, यह ईमानदारी है। उदाहरण के रूप में यह मेरी मेज है, यदि आप जाते समय इसे ले जाना चाहें तब क्या वह ईमानदारी है? अतः ईमानदारी की सरल परिभाषा यह है कि आप दूसरे के अधिकार पर अतिक्रमण ना करें, यही ईमानदारी है। फिर वो व्यक्ति जो ईमानदार है सद्गुण में स्थित होगा, क्या ये ठीक है? निश्चित रूप से, क्योंकि सत्व गुण का अर्थ है ज्ञान। अतः यदि आपको ज्ञात है ये मेज मेरी नहीं है, ये स्वामी जी की है, तब आप इसे ले जाने की चेष्टा नहीं करेंगे। अतः मनुष्य को ज्ञान होना चाहिए, पूर्ण ज्ञान, तब वह ईमानदार हो सकता है। अभी आपने कहा था कि सत्वगुण भगवान का ज्ञान है, किंतु भगवान के विषय में अधिक ज्ञान ना होते हुए भी कोई ईमानदार हो सकता है बिना यह विचार किए कि वे इसलिए ईमानदार है क्योंकि भगवान की यह इच्छा है? उन्हें बस ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें ईमानदार होना चाहिए। भगवान की इच्छा तो यह है कि प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार हो, भगवान विपरीत इच्छा क्यों करेंगे? अतः ये जाने बिना कि आप भगवान की इच्छा का पालन कर रहे हैं, आप भगवान की इच्छा का पालन कर सकते हैं? नहीं,
बिना जाने पालन करना यह निरर्थक है। आपको भगवान के आदेश का ज्ञात होना चाहिए तथा यदि आप उसका पालन करें तब यह ईमानदारी होगी। क्या भगवान को जाने बिना कोई ईमानदार नहीं हो सकता है? हाँ, क्योंकि भगवान परम स्वामी, परम भोक्ता तथा परम सखा है, यह भगवद गीता का कथन है। यदि किसी को इन तीन तथ्यों का ज्ञान है तब वह पूर्ण ज्ञान में स्थित है। केवल ये तीन बातें, भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, भगवान प्रत्येक व्यक्ति के सखा हैं तथा भगवान प्रत्येक वस्तु के भोक्ता हैं। उदाहरण के लिए, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि शरीर में उदर भोक्ता है, हाथ पैर नेत्र तथा कान नहीं, ये केवल उदर की सहायता करने के लिए ही है। उदाहरण के लिए, नेत्र उदर के लिए भोजन कहाँ है ये देखने के लिए गिद्ध 7 मील ऊपर जाता है, यह सत्य है कि नहीं? ऐसा ही है। तत्पश्चात पंख वहां उड़कर जाते हैं तथा जबड़े भोजन पकड़ते हैं। जिस प्रकार शरीर में उदर भोगता है, उसी भांति भौतिक अथवा आध्यात्मिक समस्त सृष्टि के केंद्र भगवान अर्थात कृष्ण है, वह भोगता है। केवल अपने शरीर पर विचार करके हम यह तथ्य समझ सकते हैं, शरीर भी एक सृष्टि है। समस्त ब्रह्मांड में जिस यांत्रिक प्रकृति के दर्शन होते हैं, वही शरीर में भी दिखाई देती है। आप जहाँ कहीं भी जाएं, आपको वही यांत्रिक योजना दिखाई देगी। पशुओं में भी, मानव शरीर में अथवा सृष्टि में लगभग यही वही यंत्र अवस्था व्यवस्था। अतः आप सरलता से यह समझ सकते हैं कि इस शरीर, मेरे शरीर, आपके शरीर में उधर ही भोगता है, एक केंद्रीय भोगता है तथा उधर एक सखा भी है। क्योंकि यदि आप भोजन नहीं पचा पाते हैं तब शरीर के अन्य सब अंग भी शिथिल पड़ जाते हैं। अतः उधर मित्र है, यह भोजन को पचाकर शक्ति को शरीर के सभी अंगों में वितरित करता है कि नहीं? ऐसा ही है। उसी भांति समस्त सृष्टि के केंद्रीय उधर भगवान अथवा कृष्ण है, वह भोक्ता है, वह सखा है तथा परम स्वामी के रूप में वह सबका पालन कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक राजा अपने राज्य के समस्त नागरिकों का पोषण कर सकता है क्योंकि वह स्वामी है। स्वामी हुए बिना कोई प्रत्येक व्यक्ति का सखा किस प्रकार हो सकता है? अतः इन सब बातों को समझना आवश्यक है। कृष्ण परम स्वामी, परम भोक्ता तथा परम सखा है। यदि आपको इन तीन तथ्यों का ज्ञान है तब आपका ज्ञान संपूर्ण है, तब आपको और कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। यस्मिन विज्ञाते सर्वमेवं विज्ञातम भवति। यदि आप इन तीन सूत्रों से कृष्ण को समझ लेते हैं तब आपका ज्ञान पूर्ण है, आपको और किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। किंतु लोग सहमत नहीं होंगे, कृष्ण को स्वामी क्यों होना चाहिए, हिटलर को स्वामी होना चाहिए, निक्सन, यही हो रहा है, इसलिए आप कष्ट में हैं। आप यदि इन्हीं तीन बातों को समझ लेते हैं तब आपका ज्ञान पूर्ण है, किंतु हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम इन तीन तथ्यों को समझने में इतने विघ्न डालेंगे और यही हमारे कष्टों का कारण है। भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो व्यक्ति मुझे समस्त यज्ञों तथा तपों का चरम प्रयोजन, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर, समस्त जीवों का कल्याणकर्ता और शुभ चिंतक के रूप में जानता है तथा पूर्ण रूप से मेरी चेतना में रहता है, वही भौतिक दुखों के कष्ट से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। किंतु हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हम इतने सारे मिथ्या स्वामी, मिथ्या सखा, मिथ्या भोक्ता प्रस्तुत करेंगे तथा वे परस्पर युद्ध करेंगे। जगत की यही स्थिति है। यदि लोग इस ज्ञान को ग्रहण करें तब तत्काल ही शांति होगी, शांति मृच्छति, यही ज्ञान है। तथा यदि कोई इस नियम का पालन करता है वह ईमानदार है। वह यह अधिकार नहीं जताता है कि यह मेरा है, उसे ज्ञात है कृष्ण का है। अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग कृष्ण की सेवा के लिए करना चाहिए, यह ईमानदारी है। यदि यह पेंसिल मेरी है तो मेरे शिष्यों के लिए सदाचार ये है कि वह पूछें क्या मैं इस पेंसिल का उपयोग कर सकता हूँ, तब मैं उत्तर दूंगा हाँ कर सकते हो। इसी तरह यदि मुझे ज्ञात है कि प्रत्येक वस्तु के स्वामी कृष्ण है तब मैं उनकी आज्ञा के बिना किसी वस्तु का उपयोग नहीं करूंगा, यही ईमानदारी है तथा यही ज्ञान है। जिसे यह पता नहीं है वह अज्ञानी व मूर्ख है तथा एक मूर्ख व्यक्ति अपराध करता है। समस्त अपराधी मूर्ख होते हैं। अज्ञान वश व्यक्ति नियम भंग करता है, अतः अज्ञान आनंद नहीं है। किंतु जहां पर अज्ञान आनंद हो वहां पर बुद्धिमान होना मूर्खता है, यही कठिनाई है। समस्त जगत अज्ञान का आनंद उठा रहा है तथा जब आप कृष्ण भावना मृत के विषय में चर्चा करते हैं तब वे इसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। यदि मैं कहूँ कृष्ण स्वामी है, आप स्वामी नहीं है, तब आप अधिक संतुष्ट नहीं होंगे। देखिए, अज्ञान आनंद है। वास्तविक सत्य को कहना करना मेरी मूर्खता है। अतः जहाँ पर अज्ञान ही आनंद है वहां पर बुद्धिमान होना मूर्खता है। हम लोगों को अप्रसन्न करने का संकट मोल ले रहे हैं तथा वह सोचेंगे कि हम सब मूर्ख हैं। यदि मैं एक धनी व्यक्ति से कहूँ
आप स्वामी नहीं है, कृष्ण स्वामी है, अतः आपके पास जो भी धन है उसे कृष्ण के लिए व्यय कीजिए, तब वह क्रुद्ध हो जाएगा। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये। यदि आप दुष्ट व्यक्ति को उपदेश दें तो वह क्रुद्ध हो जाएगा। अतः हम भिक्षुक के रूप में जाते हैं। श्रीमान जी, आप एक अत्यंत भले व्यक्ति हैं। मैं एक सन्यासी भिक्षुक हूँ। मैं एक मंदिर का निर्माण करना चाहता हूँ, क्या आप कुछ धन दे सकते हैं? तब वह विचार करेगा, अरे ये एक भिक्षुक है, इसे कुछ धन दे देना चाहिए। किंतु यदि मैं कहूँ, महोदय आपके पास करोड़ों डॉलर है, वह कृष्ण का धन है, उसे मुझे दे दीजिए, मैं कृष्ण का सेवक हूँ, वह मुझे भगा देगा, वह प्रसन्न नहीं होगा। उल्टे यदि मैं एक भिक्षुक के रूप में जाऊंगा तो वह मुझे कुछ दे देगा, और यदि मैं उसे सच्चाई बताऊं तो वह मुझे एक पाए भी नहीं देगा। हम एक भिक्षुक के रूप में उसे विश्वास दिला देते हैं, हम भिक्षुक नहीं है, हम कृष्ण के सेवक हैं। हमें अपने लिए किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें ज्ञात है कि कृष्ण हमें सब कुछ प्रदान करेंगे, यह ज्ञान है। उदाहरण के लिए, कभी कभी कोई बालक $100 का नोट ले लेता है, अतः हम उसकी चाटुकारी करते हैं। अरे तुम कितने अच्छे हो, कृपया मीठी गोलियां ले लो और वह कागज मुझे दे दो। वह कुछ नहीं है, केवल एक कागज है। वह कहेगा, अरे हाँ लीजिए, ये अच्छी है। वह 2 पैसे की गोलियों के लिए $100 का नोट लौटा देगा। अतः हमें इस प्रकार भिक्षा मांगनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि कृष्ण का धन लेने से व्यक्ति को नर्क में जाना पड़ेगा। अतः किसी न किसी प्रकार से उससे कुछ धन ले लो और उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में संलग्न कर दो। और फिर वह नर्क में नहीं जाएगा? हाँ, आप उसे नरक में जाने से बचाते हैं, क्योंकि कृष्ण के लिए व्यय की गई एक पाई का भी हिसाब होगा। अरे इस व्यक्ति ने एक पाई दी है, इसे अज्ञात सुकृति कहते हैं। वह भक्तिमय सेवा जिसे व्यक्ति अनजाने में करता है। लोग अपने विचारों में अत्यंत निर्धन हैं, अतः संत जन उन्हें किंचित ज्ञान देने का प्रयत्न करते हैं। वह उन्हें कृष्ण की सेवा का अवसर प्रदान करने का प्रयास करते हैं। यह संत जन का कर्तव्य है। किंतु यदि वह दूसरों से धन लेकर अपनी इंद्र तृप्ति के लिए इसका उपयोग करता है, तब वह नरक में जाता है, तब वह समाप्त हो जाता है, तब वह एक वंचक है, वस्तुतः वह एक अपराधी है। आप किसी से एक पाई भी लेकर अपनी इंद्र तृप्ति पर व्यय नहीं कर सकते हैं। मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूँ जो कृष्ण भावनामय नहीं है। कृष्ण का अर्थ है भगवान। वे किंचित भगवत भावनामय है, किंतु फिर भी ये व्यक्ति एक सीमा तक ईमानदार है कि वे दूसरे से कुछ भी नहीं लेते हैं, तो तब वे अन्य लोगों के साथ ईमानदार रहने का प्रयास करते हैं। क्या ये वे अन्य लोगों से नहीं लेते हैं किंतु वो भगवान से लेते हैं? तब ये लोग कुछ सीमा तक भले हैं? वे भले नहीं है। यदि वे ये सिद्धांत नहीं सीखता है कि भगवान स्वामी है, तब वे भला नहीं है। मैं उन निर्धन लोगों के विषय में विचार कर रहा हूँ जिन्हें धन तथा अन्य की आवश्यकता है, किंतु वह इन्हें प्राप्त करने के लिए अपराध नहीं करते हैं। उनके आसपास के सभी लोग चोरी कर रहे हो, किंतु ये लोग फिर भी दृढ़ रहते हैं तथा चोरी नहीं करते हैं। किसी न किसी प्रकार ये लोग इस बात के अधिकारी हैं कि इनके साथ कुछ अच्छी घटना घटे। किंतु जो व्यक्ति ये विचार कर रहा है कि वह चोरी नहीं कर रहा है, वह भी चोरी कर रहा है, क्योंकि उसे यह ज्ञात नहीं है कि प्रत्येक वस्तु पर कृष्ण का अधिकार है। तब वह जो भी स्वीकार कर रहा है उसे वह चुरा ही रहा है। क्या वह छोटा चोर है? हो सकता है आपको यह ज्ञात ना हो कि यह दुशाला मेरी है, किंतु यदि आप इसे ले जाएं, तब क्या आप चोरी नहीं कर रहे? किंतु यदि मैं यह जानते हुए भी कि यह आपका है इसे ले जाऊं, तो मैं तब की अपेक्षा अधिक बुरा चोर हूँ जब मैं यह ना जानते हुए कि यह किसका है इसे ले जाऊं। मैं यह सोचता हूँ कि कदाचित यह किसी का ना हो और मैं इसे ले लेता हूँ। वह भी चोरी है, क्योंकि यह किसी ना किसी का तो होगा ही। आप बिना उसकी आज्ञा के इसे ले जाते हैं। आपको यह ज्ञात भले ही ना हो कि इसका स्वामी कौन है, किंतु आपको ये तो ज्ञात है ये किसी ना किसी का अवश्य है। ये ज्ञान है। कभी कभी हम सड़क पर कितनी मूल्यवान वस्तुएं पड़ी देखते हैं, सड़क सुधार अथवा बिजली के काम के लिए पड़ी सरकारी संपत्ति। कोई आदमी यह सोच सकता है, सौभाग्यवश ये वस्तुएं यहाँ पड़ी है, अतः मैं इन्हें ले जाता हूँ, क्या यह चोरी नहीं है? यह चोरी है। हाँ, उसे ये ज्ञात नहीं है कि ये सब सरकारी संपत्ति है, वह इसे उठा ले जाता है, वह चोरी है। जब वह पकड़ा जाता है तब उसे जेल होती है और दंड मिलता है। अतः उसी भांति आप जो कुछ भी एकत्र कर रहे हैं, मान लीजिए आप नदी से एक गिलास पानी पी रहे हो, क्या नदी आपकी संपत्ति है? नहीं। फिर यह चोरी है। आपने नदी की रचना नहीं की है, आपको यह ज्ञात नहीं है कि उसका स्वामी कौन है, अतः यह आपकी संपत्ति नहीं है। अतः यह जानते ना हुए
कि यह किसकी है, यदि आप एक ग्लास जल भी पी लेते हैं तब आप चोर हैं। अतः आप ये सोच सकते हैं मैं ईमानदार हूँ, किंतु वस्तुतः आप एक चोर हैं। आपको कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, हे कृष्ण यह आपकी रचना है, अतः दया करके मुझे पीने की आज्ञा दें। यह है ईमानदारी है। अतएव एक भक्त सदैव कृष्ण का चिंतन करता है, समस्त गतिविधियों में यह कृष्ण का है, यह ईमानदारी है। अतएव कृष्ण भावनामृत से विहीन प्रत्येक व्यक्ति दुष्ट, चोर, कपटी तथा डाकू है। अतएव हमारा निष्कर्ष है कि जो कृष्ण को नहीं समझता है उसके पास कोई अच्छी योग्यता नहीं है, ना तो वह ईमानदार है ना उसको ज्ञान है, अतः वह एक निम्न कोटि का मनुष्य है। यह ठीक है ना? यह अंधविश्वास नहीं है, यह एक तथ्य है। तो आप समझ गए ना कि ज्ञान क्या है तथा ईमानदारी क्या है? एक प्रकार से और क्या कोई दूसरा प्रकार भी है? क्या कोई और प्रकार है? इसका खंडन करो। अन्य प्रकार क्या कोई विकल्प है? हम ऐसी कोई बात नहीं कहते हैं जिसका कोई खंडन कर सके, ऐसा अनुभव हमें है। इसके विपरीत हम सबका खंडन करते हैं। कोई और प्रश्न है? अब तक हमें कृष्ण का संरक्षण प्राप्त हुआ है, बड़ी बड़ी सभाओं में, बड़े बड़े देशों में प्रवचन के उपरांत मैं प्रश्न करता हूँ। कोई प्रश्न करना है? अब मुझे कोई प्रश्न नहीं पूछना है। लंदन के कॉनवे हॉल में हमारा 12 दिन का भाषण था, प्रत्येक सभा के उपरांत मैं प्रश्न करता था। क्या कोई प्रश्न है? क्या आपसे अनेक प्रश्न किए गए? हाँ, अनेक मूर्खतापूर्ण प्रश्न। मैं एक प्रश्न और करना चाहता हूँ। मूर्ख होने से क्या तात्पर्य है? जिसे कुछ भी ज्ञान ना हो उसे मूर्ख समझना चाहिए। एक बात की सच है प्रभुपाद, मेरा एक व्यक्तिगत प्रश्न है। क्या मैं प्रश्न कर सकता हूँ? हाँ। कुछ काल पूर्व कलकत्ता में लोगों ने एक सप्ताह मनाया था, उसका नाम था पशुओं के प्रति क्रूरता रोको सप्ताह। यह एक अन्य मूर्खता है। वह क्रूरता रोकने का विज्ञापन कर रहे हैं तथा वह ही हजारों वधशालाओं को चला रहे हैं। आप देखते हैं ना, यह एक अन्य मूर्खता है। वे नियमित रूप से पशुओं के प्रति क्रूरता करते हैं तथा उसे रोकने के लिए अब तक संस्था की स्थापना कर रहे हैं। यह तो उसी प्रकार हुआ जैसे चोरों का एक दल भला व्यक्ति तथा संबंधित गुडमैन एंड कंपनी के नाम से संबोधित करे। आपसे ये पूछना, आपके प्रश्न करने से पूर्व ही मैं उत्तर दे देता हूँ। इसके पीछे दार्शनिक सिद्धांत ये है कि जब किसी पशु को उचित आहार नहीं दिया जाता तब वह क्रूरता है, अतः इसे भूखा मरने देने की अपेक्षा उसका वध कर देना श्रेयस्कर है। यही उनका सिद्धांत है। ऐसा है कि नहीं? हाँ। वह कहते हैं उसे इतना कष्ट सहन करने देने से बेहतर है कि उसका वध कर दें। यह सिद्धांत कम्युनिस्ट देशों में आ रहा है। एक वृद्ध पुरुष पितामह कष्ट भोग रहा है, अतः उसे मार देना श्रेयस्कर है। तथा अफ्रीका में मानवों का एक वर्ग ऐसा है जो अपने परम पिताओं का वध करने का उत्सव मनाते हैं। मेरे चाचा चाची थे, वे सेना में काम करते थे। जब वे परदेश गए तो अपने कुत्ते को अपने साथ न ले जा सके, अतः उन्होंने कहा बेचारा कुत्ता हमारे साथ न रहने पाने के कारण बहुत दुखी होगा। ऐसे उन्होंने फिर निद्रा में सुला दिया, यानी वध कर। गांधी के जीवन में भी ऐसा हुआ था। उन्होंने एक बार किसी गाय अथवा बछड़े का वध किया था। वह बहुत कष्ट पा रहा था, अतः गांधी ने आदेश दिया इसे कष्ट भोगने देने की अपेक्षा इसका वध कर दो। कल आपने कहा था कि अपने शिष्यों के पापों के कारण उनके गुरु को कष्ट भोगना पड़ सकता है, पापों में आपका क्या विचार है? दीक्षा के समय आप वचन देते हैं मैं विधि विधानों का पालन करूंगा, यदि आप पालन नहीं करते हैं तब वह पाप है। अत्यंत सरल सी बात है, आप वचन भंग करते हैं तथा गंदे कर्म करते हैं, अतः आप पापी हैं, है कि नहीं? हाँ, अन्य भी कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें करने का हमें आदेश दिया जाता है, किंतु जिन्हें हम प्रयास करने पर भी पूर्णता से नहीं कर पाते। आप करने का प्रयास करते हैं और कर नहीं पाते हैं, ऐसा कैसे है? जैसे कि ध्यान पूर्वक जब कभी कभी हम करने का प्रयास तो करते हैं लेकिन जब होता नहीं है। यह कोई दोष नहीं है। मान लीजिए कि आप कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी अनुभवहीनता के कारण यदि कभी कभी आप असफल होते हैं तब वह दोष नहीं है। आप प्रयास कर रहे हैं। भागवतम में एक श्लोक है,
यदि कोई भक्त अपना पूर्ण प्रयास कर रहा है किंतु अपनी असमर्थता के कारण वह कभी कभी असफल हो जाता है, तब कृष्ण उसे क्षमा कर देते हैं। तथा भगवद गीता में भी कृष्ण कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव। यदि कोई गंभीरता से मेरा भजन पूजन कर रहा है और कभी कोई अत्यंत नीच कर्म कर देता है, फिर भी उसे संत समान ही समझना चाहिए। कभी कभी अपनी इच्छा से नहीं अपितु गत बुरी आदतों के कारण व्यक्ति कुछ मूर्खतापूर्ण कार्य कर बैठता है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि वह दोषी है, किंतु उसे उसके लिए पश्चाताप अवश्य करना चाहिए तथा जहाँ तक संभव हो सके उसे इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। किंतु आदत दूसरा स्वभाव ही है। माया इतनी बलवान है कि कभी कभी आपके कठोर प्रयत्न करने पर भी आपको गड्ढे में ढकेल लेती है। उसे क्षमा किया जा सकता है, कृष्ण क्षमा करते हैं, किंतु जो लोग स्वेच्छा पूर्वक कुछ कर रहे हैं उन्हें क्षमा प्राप्त नहीं होती है। अपने भक्त होने के बल पर यदि मैं यह विचार करूं, मैं जप कर रहा हूं, अतः मैं ये सब मूर्खताएं कर सकता हूं और यह सब रद्द हो जाएगा, यह सबसे बड़ा अपराध है। तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, आज का विषय काफी हैवी है। तो श्री प्रभुपाद ने बहुत सुंदर ढंग से कृष्ण भावना मृत में कर्म करने के बारे में हमें एक्सप्लेन किया है ना। तो हम शुरू से चलते हैं। तो यहाँ पे कन्वर्सेशन, जैसे आपने शुरू किया कि एक कन्वर्सेशन हुआ, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि किस प्रकार के कर्मों से मनुष्य को मतलब सत्कर्म अर्जित होते हैं। तो प्रभुपाद ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि सत्कर्म का मतलब ये होता है कि जब आप भौतिक सुख का भोग करते हैं, है ना, और दुष्कर्म का मतलब होता है कि जब भौतिक दुख से आप पीड़ित हो जाते हैं, ठीक है ना। तो सत्कर्म मतलब वो होता है कि जो वेद में बताया गया, जो शास्त्र में जैसा एक्शंस बताए गए उनको करना सत्कर्म होता है। और वो कर्म कैसे होते हैं? वो कर्म ऐसे होते हैं जिसमें भगवान की प्रसन्नता होती है ना। तो सत्कर्म की सीधी सी डेफिनेशन श्री प्रभुपाद ने दी कि जो शास्त्र वैदिक साहित्य में अनुमोदित किए गए यज्ञ, और ये किसके लिए होते हैं? जो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करते हैं। जब हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न करते हैं तो खाली भगवान ही प्रसन्न नहीं होते हैं, सारा ब्रह्मांड प्रसन्न होता है। लेकिन हम खाली अपने को तुष्ट करने की कोशिश करें या अपने शरीर को तुष्ट करने की कोशिश करते हैं अलग से, तो क्या होता है कि हम उसको तुष्ट भी नहीं कर पाते और ना ही उसका पोषण कर पाते। मान लीजिए अपने शरीर को पोषण करना चाहिए, अब करिए पोषण। इतने चेंजेस होते हैं, इतनी बीमारियां होती हैं, है ना। कितने भी कॉस्मेटिक वाले दिन भर एडवर्टाइजमेंट कर लें कि कुछ बुरा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, लेकिन क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा नहीं होता? जन्म है तो जरा भी है, व्याधि भी है, शरीर के जो परिवर्तन है वो होंगे, है ना, चेंजेस होंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर यंग एजेस 16 की एज है तो 36 की भी एज आएगी। आप रोक नहीं सकते। लेकिन ये मूर्खतापूर्ण प्रश्न होते हैं लोगों के, जो जनरली शिल्पियों का समझा रहे हैं कि सत्कर्म वो होते हैं जो वेद के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, प्रमाणिक साधन के अनुसार बताए जाते हैं, उनको करके भगवान की प्रसन्नता को सदृश। और दुष्कर्म क्या होते हैं? जो कि शास्त्र में नहीं लिखे रहते हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज को सेटिस्फाई करने के लिए ही बने रहते हैं, इससे क्या होता है? दुख प्राप्त होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं सत्कर्म में क्या होता है? अगर कोई सत्कर्म करता है, अच्छे काम करता है ना, जैसे कि भूखों को खाना खिलाता है, कपड़े प्रदान करना, अनाथालय बनाना, कुआं खुदाना, है ना, आश्रम ले जाना, ये सब जो दान दान पुण्य करना, तो ये सब जो सेवाएं हैं, लोगों को गर्मी में पानी देना, है ना, इस तरह के जो सेवाएं होती हैं ये सत्कर्म कहलाते हैं। इनसे क्या होता है? अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा, है ना, धन मिलेगा, वैभव मिलेगा, या बहुत अच्छा सुंदर शरीर मिल सकता है, सारे शरीर स्वस्थ हो सकता है आपका, अगर आप सत्कर्म करेंगे तो। तो बॉब ने ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि उस व्यक्ति के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे जिसे भगवान का अधिक बोध नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना, मुझे तो पता नहीं है, इस बार कहते हैं उसको अबोध होते हैं, कहते हैं वो पशु हो जाए। जनरली हम लोग सोचते हैं कि इनोसेंट होना इज वेरी गुड। प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं पशु जो होता है इनोसेंट होता है। इनोसेंट होना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, और इनोसेंट को ज्ञान देना ही खाली बुद्धि नहीं है। बुद्धि का मतलब है तीन चीजों को जानना,
क्या क्या तीन चीजें हैं? कि जो भगवान है वो ही हमारे सखा है, परम भगवान वो है, और भोक्तारम यज्ञ तप्तारम सर्वलोक महेश्वर, सभी चीजों के भोक्ता वही हैं, सबके सखा हैं, वेल विशर हैं भगवान, और वो ही परम भोगता है। अगर ये तीन बातें कोई व्यक्ति स्वीकार कर लेता है तो ज्ञानी है। प्रभुपाद ने बड़ी अच्छी बात बताई कि सरल होना ठीक है, सिंप्लिसिटी इज गुड, लेकिन बेवकूफ होना इज नॉट गुड। यू कैन नॉट चीट एनी पर्सन बट कैन नॉट बी चीटेड ऑल्सो, व्हाट द पॉइंट? ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना भक्ति में। जनरली वो लोग सोचते हैं कि भक्त बहुत सरल होते हैं, कुछ पता नहीं होता। नहीं, उन्हें सब पता होता है, वो दूसरों को भी चीट नहीं करते, लेकिन इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि कोई उनको भी मूर्ख ना बनाए, है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है हमें समझने के लिए, आप लोगों को भी नोट करनी चाहिए कि सरलता ठीक है किंतु व्यक्ति को मूर्ख नहीं होना, पशु की तरह अबोध नहीं होना। पशु को गला काटने के लिए लेके जाया जा रहा है, वो विरोध नहीं कर सकते, उसको पता नहीं है, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं। तो वो बात कहते हैं कि हमारा प्रस्ताव है कि व्यक्ति को बुद्धिमान होना चाहिए, है ना। और उसको क्या बुद्धिमान होता है? बुद्धिमान का डेफिनेशन कृष्ण को समझ सके। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ईमानदार होना ठीक है, तो वो बात बताते हैं कि ईमानदार होना सत्कर्म है, लेकिन ईमानदारी है क्या? ये इम्पोर्टेंट है। अबोध की बात है, पहले किसी भी चीज के बारे में बात की जा रही है तो उसकी डेफिनेशन होनी चाहिए कि हाँ ये चीज ये है, तब तो मुंह बनेंगे। क्योंकि अगर मान लो ईमानदारी होने की बात करें तो प्रभु बात करें कि ठीक है, ईमानदार होने की डेफिनेशन पहले पता होनी चाहिए, नहीं तो हम देश काल परिस्थिति के अनुसार अलग अलग ईमानदारी की डेफिनेशन देंगे, है ना। चोर डेफिनेशन देगा कि मतलब चोरी करना ही सब कुछ है, प्रभुपाद कह रहे हैं इसलिए वो ईमानदारी होगी, है ना। और शिकारी सोचेगा कि पशु बंद करना और फिर अपने बच्चों का पेट पालन करना, ये ईमानदारी है। तो ईमानदारी ये नहीं होती, प्रभुपाद कहते हैं वास्तविक ईमानदारी ये होती है कि हम दूसरों की संपत्ति का अतिक्रमण न करें। जो हमारी संपत्ति है, हमारे लिए जो अपॉइंट किया गया है, उसको हम स्वीकार करें, बाकी को हम समझे कि नहीं। अरे बहुत प्रश्न करता है कि मतलब तो ईमानदार होना मतलब सत्वगुणी होता है, तो लोग बात कहते हैं कि अब कहा गया है कि सत्वगुण भगवान का ज्ञान है, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान की इच्छा तो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार हो। तो ईमानदार की डेफिनेशन प्रभुपाद ने बताई है कि भगवद गीता में बताया गया है कि दैवी संपदा मोक्षाया निर्बंध मतया, और आसुरी संपदा जो होती है वो बंधन का कारण है। अगर हमारे अंदर आसुरी नेचर है शास्त्र के अनुसार, हम बंधन में हमेशा रहेंगे, लेकिन अगर हम दैवी नेचर डेवलप करें जो कि शास्त्र में बताए गए हैं, तो हमको मोक्ष की तरफ लेके जाएंगे। कोई भी चीज बनना है, ईमानदार बनना है, हमें विनम्र बनना है, हमें दयावान बनना है, हमें मोक्ष चाहिए, तो उसकी डेफिनेशन पहले क्लियर होनी चाहिए कि वो है क्या। तो वो डेफिनेशन एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होनी चाहिए, वो डेफिनेशन एक प्रमाणिक साधन के द्वारा डिफाइन किया होना चाहिए। जब हम उसको पढ़ते हैं, उसके हिसाब से नॉलेज कल्टिवेट करते हैं और फिर वो बनने की कोशिश करते हैं, तो ठीक होता है। वही श्री प्रभुपाद समझा रहे। तो यहाँ पे फिर श्री प्रभुपाद से क्वेश्चन पूछा जाए कि तीन चीजें प्रभुपाद ने कही है कि भगवान प्रत्येक व्यक्ति के स्वामी है ये समझना, और भगवान ही सबके सखा है, और भगवान ही सबके भोक्ता। प्रभुपाद ये बात बहुत क्लियर किए हैं कि जब तक कोई व्यक्ति स्वामी नहीं होगा, सखा नहीं होगा। हमारा फ्रेंड कौन सा व्यक्ति होता है? जो हमारे फ्रेंड इन नीड एंड फ्रेंड इन डीड करे, हमारी कभी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करे, है ना। तो जब तक वो स्वामी नहीं होगा, जब तक उसके पास थोड़ा सा पावर नहीं होगा, तो सखा कैसे हो सकता है किसी का? तो अल्टीमेटली देखते हैं कि स्वामी तो भगवान है, तो सखा भी वही हो सकता है, फ्रेंड भी वही सकती है। लेकिन हमको लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति हमारा फ्रेंड है, ये व्यक्ति हमारा फ्रेंड है, ये व्यक्ति हमें सुखी कर देगा,
है ना, तो इसके लिए लोग गर्लफ्रेंड बनाते हैं कि ये गर्लफ्रेंड मुझे सुखी करेगी, बॉय गर्ल्स जो सोचते हैं ये बॉयफ्रेंड हमें सुखी करेगा, फिर उससे सुख नहीं मिलता तो चेंज करते हैं, उसके अंदर ये गुण नहीं था, ये प्रॉब्लम थी इसके कारण ये दिक्कत थी, ये व्यक्ति के अंदर ये गुण है ये हमें सुखी करेगा, लेकिन ये सिलसिला चलता रहता है लेकिन व्यक्ति को सुख नहीं प्राप्त होता। समझाते हैं भगवद गीता में 5.29 में बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक समझाया, भोक्तारम यज्ञ तत्ता सर्वलोक महेश्वरम हृदय सर्वभूता नाम ज्ञातवा शांति मिच्छति। जो व्यक्ति मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का सोचता है कि ये उन्हीं के लिए किया जा रहा है क्योंकि वो परम भोक्ता है, सभी यज्ञों के भोक्ता भगवान है, सभी लोक के महेश्वर वही है, सभी जीवों के जो सुहृदय बेस्ट फ्रेंड वेल विशर भगवान है, ये तीन बातें जब कोई व्यक्ति एक्सेप्ट करता है तो उसको परम शांति प्राप्त होती है। किसी को सरल भाषा में भी शिल्प उपाधि समझाने की कोशिश की, जैसे बताया कि हम क्या करते हैं इस शरीर का पोषण करते हैं, जैसे कुछ खाते हैं कुछ भी कार्य करते हैं तो वो उधर यानी पेट में जाता है, पेट उसको डाइजेस्ट करता है, फिर वहां से वो ब्लड के रूप में पूरे बॉडी में एनर्जी पहुंचा देता है। तो जो शरीर के बाकी ऑर्गेन्स हैं वो एक्चुअल में उधर को सपोर्ट करते हैं, है ना, जिससे उधर सपोर्ट हो जाए। क्यों सपोर्ट हो जाए? क्योंकि अगर उसके पास चला गया तो वो ऐसा करेगा कि सबका पोषण होगा। आंख ये काम नहीं कर सकता, कान ये काम नहीं कर सकता, जीवा ये काम नहीं कर सकती, गला ये काम नहीं कर सकता, चेस्ट ये काम नहीं कर सकती, पैर ये काम नहीं कर सकते, हाथ ये काम नहीं कर सकते, गॉट द पॉइंट? ये काम केवल उधर ही कर सकता है कि भोजन अगर आप उधर में डाल देंगे उसके पास पावर होता है कि वो सबको एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है ना। तो इसी तरह से इस पूरे ब्रह्मांड के जो स्रोत है वो भगवान कृष्ण। हम मटेरियल नॉलेज में ये एक मुख्य एस्पेक्ट कभी भी इंक्लूड नहीं करते, इनको छोड़ देते हैं, इसीलिए इतना दुख। जब जीव वैदिक नॉलेज देता है, वेद से नॉलेज देता है, भगवद्गीता से नॉलेज देता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस को अपनाता है, इसे ज्ञान होता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है परम भोक्ता है, अगर हम इनको सेटिस्फाइड करना शुरू कर दें, इनकी भक्ति करनी शुरू कर दें, तो बाकी सारा सिस्टम अपने आप ठीक हो जाए। हर एक जगह नरिशमेंट मिलेगा, है ना। तो अगर मान लो बॉडी का कोई पार्ट छोटा है ना, तो भी उसको नरिशमेंट मिले क्योंकि पेट का काम ही यही है। उसी तरह भगवान जो है सभी ब्रह्मांड के सिवी पूरी सृष्टि के केंद्र है। पेड़ की जड़ में पानी डालने से सब जगह अपने आप पानी वगैरह तक पहुंचता है, उसी तरह भगवान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, भगवान के द्वारा दिए गए नॉलेज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके अनुसार आचरण करना पड़ेगा, तब जाके कोई चीज होगी। प्रसाद सेवन मत करना, प्रसाद खाते समय बाहर की चीजें मत। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि बहुत इम्पोर्टेंट इंसान है और ये आपको मटेरियल वर्ल्ड के किसी भी कॉलेज में शिक्षा नहीं मिलती। मिलती है ये शिक्षा? नहीं मिलती। ये कितना इम्पोर्टेंट नॉलेज है श्री कृपा बता रहे, तो यहाँ पे ये सब समझना चाहिए। और वहाँ पे फिर पूछते हैं कि मूर्खों को लेकिन उपदेश देना बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। एक सिद्धांत के ऊपर समझा है कि सबसे डेंजरस सिचुएशन है कि सभी मूर्ख हैं, उसमें इंटेलिजेंट होना मूर्खता है। तो इसमें जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है वो थोड़ा स्मार्टली प्रेजेंट करता है चीजों। रूपा ने बताया कि मान लो अगर मैं ये सिद्धांत एक व्यक्ति एक धनी व्यक्ति को बताऊं जिसके पास बहुत धन है कि भैया तुम इस धन के मालिक नहीं हो, इस धन का मालिक जो है वो तो भगवान है, तो ऐसा करो सारा धन अपना भगवान की सेवा में लगा दो, तो कहेगा तुम पागल हो? भगवान कह रहे इसलिए हम लोग क्या करते हैं, संन्यास लेते हैं, भिक्षुक बनते हैं और हम उनके पास जाते हैं और पॉलिश्ड लैंग्वेज में बोलते हैं कि हम भगवान के एक मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, आप क्या कीजिए, आप थोड़ा सहयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा।
भगवान बता रहे हैं कि जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस के किसी भी कार्य में सहयोग करते हैं तो वो सहयोग असली सत्कर्म होगा। और भी जो कार्य करते हैं इंद्रिय बुद्धि जैसे कृष्णा कॉन्शियस में काम करना चाहिए, हमारी एक्टिविटीज को समझने के लिए क्या है, पूर्ण ज्ञान हमें, जैसे हम पढ़ेंगे समझेंगे तभी तो ज्ञान। सुशील कृपा यही करता नहीं, कोशिश कर रहे हैं, गोपाल बता रहे हैं कि अगर हमें ज्ञान, तो गोपाल पूछे कि हम अज्ञानता में ऐसा कर सकते हैं, तो गोपाल कह रहे हैं कि अज्ञान है लेकिन तब भी तो आप चोरी कर रहे हैं। ये नदी में पानी जा रहा है, आपने एक गिलास पानी उठा के पिया, आपको ज्ञान नहीं है कि किसने बनाया है, तब भी तो आप चोरी तो कर रहे हैं, बिना पूछे आप उस व्यक्ति से ले रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है तो वो चोर होता है, क्योंकि वो भगवान की संपत्ति का उपयोग कर रहा होता है बिना उनकी परमिशन के। तो चोरों का समाज कभी भी सुखी नहीं रहता। जो भक्त होता है वो क्या करता है, सदैव भगवान की आज्ञा के अनुसार सत्य करता है। सत्य पहले भगवान को ऑफर करते हैं, ठाकुर जी आपने दिया है, आपको पहले अर्पित है, फिर हम उसको ग्रहण करते हैं। हर चीज हर समय वो भगवान के प्रति प्रेरणा करते हैं, तो ये प्रोसेस ठीक है। तो कल तक अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो कहते हम नरक में जाएंगे। प्रभुपाद कहते अगर आप भगवान को गुप्ता नहीं मानेंगे तो आप नरक में जाएंगे। तो प्रभुपाद एक बहुत अच्छी बात बताते हैं, जैसे कि किसी बच्चे के हाथ में $100 का नोट है, बच्चे को भी $100 का नोट के बारे में नहीं पता, तो हम कहेंगे कि ऐसा करो ये कुछ टॉफियां ले लो और वो कागज दे दो मुझे, फालतू है वो। तो बच्चा क्या करता है, उसको जब चॉकलेट मिलेगी तो चॉकलेट ले लेगा, वो $100 का नोट आपको दे देगा, क्योंकि उसको पता नहीं कि $100 क्या है। उसी तरह हम तुच्छ इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं दिन भर और भगवान की भक्ति नहीं करते, क्योंकि भगवान की भक्ति करने से सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, है ना, क्योंकि हम उन नियमों का पालन करेंगे जिसका भगवान ने नियम बनाया है, उसको पालन करने से सभी बैलेंस बिगड़े रहेंगे। इसलिए ईर्ष्यावास सिद्धांत से समझना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि हर व्यक्ति के लिए उसका भाग निश्चित, जैसे शेर जो है वो घास नहीं खाएगा और बकरी मांस नहीं खाएगी, है ना, तो सबका भाग निश्चित है। तो जानवर तक तो उसका पालन करते, लेकिन मनुष्य जो कि सर्वश्रेष्ठ प्राणी है वो ही नहीं करता बस। इसलिए सारे एरिया में डिस्टर्बेंस करते। अगर आप लोगों ने जो साइंस पढ़ा है आप लोग समझते हैं कि जो सारे लोग हैं वो एक सिस्टम को फॉलो करते हैं जो उनके लिए बनाए, केवल एक मनुष्य ही है जो केवल करप्शन आके प्रदूषण करने के अलावा कुछ नहीं करता, जो अपना मनमाना कार्य करता। तो जब वो भगवान के अनुसार कार्य करता है तब वो मनुष्य कहलाता है, नहीं तो वो पशु कहलाता है। क्लियर है यहाँ पर? जी माता जी, ओके। फिर श्री प्रभुपाद बड़ा अच्छा प्रश्न किए जो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक प्रश्न था कि मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि मूर्ख होने का क्या तात्पर्य है। तो प्रभुपाद कहते हैं जिसे ज्ञान नहीं होता वो मूर्ख होता है ना। फिर एक प्रश्न और पूछा गया प्रभुपाद से कि जैसे कि लोगों ने एक बार प्रोग्राम किया कि पशुओं के प्रति क्रूरता रोको सप्ताह, प्रभुपाद कहते हैं ये एक अलग मूर्खता है, बिना भगवान के अलग अलग चीजें ये क्रिएट करते रहते हैं। तो वहां पे क्या करते हैं, केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति करते हैं। जो लोग इस तरह का काम करते हैं वही पशु के प्रति क्रूर होते हैं, मुचर खाना चलाते हैं और फिर इस तरह के एडवर्टीजमेंट करते हैं। बींग ह्यूमन, हमारे पास भी लोग बोलते ना, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी उनका, बींग ह्यूमन और मीट ईटिंग करते हैं। हाउ डू यू बीन ह्यूमन, कैसे हुआ? जब आप एक जीवों के प्रति आपके अंदर दया ही नहीं है तो आप ह्यूमन के प्रति दया करेंगे नहीं, तो आपके अंदर दया है ही नहीं तो आप ह्यूमन बनेंगे कैसे? इसीलिए प्रभुपाद करेंगे कुछ भी बनना है, ह्यूमन बनना है, ईमानदार बनना है, शांति प्राप्त करनी, तो डेफिनेशन समझनी होगी शास्त्र से। जैसे सब अपना अपना डपली अपनी अपनी राग बजाएंगे तो किसी का कुछ होगा नहीं। प्रभुपाद कहते हैं कि जनरली जो मूर्ख होते हैं वो क्या करते हैं कि भाई ये पशु को खाना नहीं दे सकते तो क्या बेटर है इसको मार दो। तो बात बताते हैं कि ये खाली पशु समाज में नहीं है, फिर वो अपने परिवार जन में इंसानों में ये काम करते हैं,
जिनके माँ बाप जो है बूढ़े हो गए किसी काम के नहीं, उनको मार दो। पेपर बता रहे हैं कि ऐसे बहुत से अफ्रीकी मानव समाज है, अभी तो हमारे समाज में ही ऐसा होने लगा है। हमारे समाज में तो यहाँ तक होने लगा कि अगर मोबाइल फोन के लिए बच्चों को बोलो तो कत्ल कर देते हैं। अपनी ही बहन का, अपनी माँ का कत्ल कर दिया। क्या बोल रही थी, मोबाइल फोन यूज मत करो, पढ़ाई लिखाई करो, है ना, मेरा नहीं हुआ, मतलब ये स्तर आ गया। तो प्रभुपाद वही समझा रहे हैं कि अगर हम ईश चेतना का पालन नहीं करेंगे तो समाज बर्बरता के अलावा और कहीं नहीं। गिरिराज महाराज ने क्वेश्चन पूछा कि प्रभुपाद आपने बताया था कि अगर कोई शिष्य जो है वो सही से नियम पालन नहीं करता तो गुरु को मतलब कष्ट होता है। प्रभुपाद कहते हैं हाँ ऐसा होता है, इसलिए क्या करना चाहिए, हमें बहुत ज्यादा सावधान होना चाहिए शिष्यों को, जिनको जो नियम बताए गए हैं। एक तो गुरु सारी आपके पाप ले रहा है, आपको निकालने की कोशिश कर रहा है और आप उसको और पाप देते चले जा रहे हैं, है ना। तो हमें पाप कर्म नहीं करना चाहिए, तो दोनों चीज का पालन करना चाहिए, विधि भी होनी चाहिए, निषेध भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 16 माला बस जप करना है, नहीं, हमें 16 माला जप करना है, चार नियम भी पालन करना है। हम कोई स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी तरह का कुछ सुनते नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, दिन भर हमारे पास मटेरियल देखने के लिए, करने के लिए, काम करने के लिए बहुत। तो कृष्णा भावना और इसमें कर्म करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तब आप माला कर पाएंगे, ये तो कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। यह भी बताते हैं कि अपनी अनुभवहीनता के कारण आप असफल रहते हैं और फिर दोष आप हमेशा देते रहेंगे, ये रिजल्ट आएगा ही नहीं। इसलिए भगवान ने कहा है कि ऐसा होता है। इन प्रभुपाद ने कहा है कि क्वेश्चन पूछते हैं प्रभुपाद गिरिराज महाराज की, जैसे कि कभी कभी कुछ प्रयास तो करते हैं हम कि हम अपराध ना करें, लेकिन फिर भी होते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कैसे, तो बोलते हैं इसे मैंने ध्यान पूर्वक जब करना है, लेकिन ध्यान पूर्वक जब हो नहीं रहा है। प्रभुपाद कहते हैं ये पाप नहीं है, प्रभुपाद समझाते हैं, बहुत सुंदर बात श्री प्रसाद समझाते कि हम भक्ति में तुरंत अपराध भाव देखते हैं। तो हमें समझना चाहिए, प्रभुपाद समझा रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, ये बुरी प्रवृत्ति के कारण जीव जो है गलती से गलती कर लेता है, लेकिन वो भगवान के सरेंडर है, भक्ति कर रहा है और करते रहना चाहता है, लेकिन अपनी बुरी प्रवृत्ति के कारण उससे बार बार कोई हो जाता है, फिर वो क्या करता है, प्राश्चित करता है, सुधरने का प्रयास करता है। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं कितना भी जघन्य कार्य भी करे, अगर वो भक्त है और सुधरने की कोशिश कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो उसको साधु ही मानना चाहिए। इतना बड़ा स्टेटमेंट है, देखो भगवान कितना प्यार करते हैं और कहाँ तक लोगों जीव की रक्षा करते हैं, है ना। तो इसलिए आप प्रभुपाद बता रहे हैं कि प्रभुपाद देखते हैं कि ये जीव गंभीरता पूर्वक ध्यान पूर्वक जप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार उसका अपराध के कारण, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण ठीक से नहीं कर रहा है, तो भगवान उसको क्षमा करते हैं, ऐसी सिचुएशन बनाते हैं कि वो और अच्छे से जप कर सके, तो भगवान को क्षमा करते हैं। यहाँ पे होता है कि प्रभुपाद बताते हैं कि भक्त तो होने के बल पर यदि मैं ये विचार करूं मैं जप कर रहा हूँ तो मैं ये सब मूर्खताएं कर सकता हूँ, ये रद्द हो जाए। 10 नाम अपराध में अगर आप पढ़ेंगे तो एक नाम अपराध है नाम के बल पर पाप करना, ठीक है ना। तो नाम के बल पर पाप करना मतलब हमने ये सीख लिया कि कोई भी पाप है अगर हम हरि नाम कर लेते तो हमारे पाप जो है वो धीरे धीरे भगवान समाप्त कर देते हैं। तो फिर क्या करना, फिर भी हम नाम ले लेंगे फिर आप पाप कर लेते हैं, फिर नाम ले लेंगे, तो आप भगवान से ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे। सच्चिदानंद के वो हमेशा बोलते हैं कृष्ण को चूना नहीं लगाएगा आप कृष्ण को चूना नहीं लगा सकते, है ना। तो आप ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं फिर भगवान बताते हैं। या मैं शिल्प का तो सीधे से कहने का मतलब है कि यदि हम कृष्ण भावना अमृत में कर्म करते हैं जो कि सत्कर्म है, वो हमें मोक्ष को लेके जाएगा, है ना, बंधन से मुक्त करेगा, भगवत धाम वापस लेके जाएगा, मनुष्य जीवन को सफल बनाएगा। लेकिन अगर हम दुष्कर्म करते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस में कर्म नहीं करते हैं, तो सदैव बंधन में रहेंगे। तो ये जानेंगे कैसे कि सत्कर्म क्या है, और वो कहते हैं कि ज्ञान ज्ञान के द्वारा जाने। तो ज्ञान कहाँ से लेना चाहिए, हमें प्रमाणिक स्रोतों से ज्ञान लेना चाहिए, वैदिक साहित्य से ज्ञान लेना चाहिए कि क्या चीज क्या है, फिर उसके लिए प्रयास करना चाहिए।
चाहे वो मोक्ष हो, चाहे ईमानदारी हो, चाहे वो किसी बारे में क्वेश्चन हो, पहले समझना चाहिए वो है क्या, नहीं तो अलग अलग लोगों का मत आपको संस्कार के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से मिलता जाएगा, उसका कोई रिजल्ट नहीं। ठीक है, क्लियर? जी माता जी। Can I ask one, two questions? जी माता जी। First question goes to Yesika. Yesika, according to Srila Prabhupada, what is satkarm and what is dushkarma? माता जी, जो भी scriptures में दिया हुआ है और हर कार्य जो है विष्णु की संतुष्टि के लिए, प्रसन्नता के लिए किया जाए, वो यज्ञ है और वैसे ही हर कार्य करना चाहिए जैसा कि मतलब स्क्रिप्चर्स में बताया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू अंबिका। प्रभुपाद के अनुसार हमें अबोध होना चाहिए या नहीं? माता जी, हमें अबोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर अगर हम बेवकूफ होंगे तो कोई भी आएगा और हमारा गला काट के चला जाएगा। फिर तो हमें इंटेलिजेंट होना चाहिए, बेवकूफ नहीं होना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि सब कुछ भगवान का है और भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहिए। ओके, तो प्रभुपाद ने तीन चीजें बताई कि अगर कोई व्यक्ति तीन चीजों के बारे में जानता है तो वो पूर्ण ज्ञानी है। माता जी, ये भगवत गीता का एक श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि मैं ही परम भोक्ता हूँ, परम स्वामी हूँ और परम सखा हूँ, और जो ये जिसको ये ज्ञात हो जाता है वो सारे भौतिक दुखों से शांति प्राप्त करता है। अब वो पूर्ण ज्ञानी। हाँ, पूर्ण ज्ञानी। तीन चीजें बस समझ रही है, स्वामी कौन है, कृष्णा, तो शेल्टर किसका लेना है, कृष्णा, और हमारे जो बेस्ट फ्रेंड है या बेस्ट वेल विशर कौन है, कृष्णा, कृष्णा, और हर चीज को अगर इंजॉयर है वो कौन है, तो कृष्णा, कृष्णा, हम इंजॉयर नहीं, यानी छोटे इंजॉयर है लेकिन मुख्य इंजॉयर कृष्णा। तो ये दिस आस्पेक्ट इज वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू अंबिका। ओके अंबिका, एक क्वेश्चन पूछा गया कि मूर्खों के उपदेश देने के, तो श्री प्रभुपाद का क्या कहना है कि मूर्खों को क्या करना चाहिए, मूर्खों के लिए क्या स्टेटमेंट है, श्री प्रभुपाद का उपदेश देना चाहिए या नहीं? माता जी, श्री प्रभुपाद कहते हैं कि उनके साथ तो बहुत स्मार्टली वर्क करना चाहिए। हम उनको जाकर के स्ट्रेट अवे ये कहने लगेंगे कि क्या कहते हैं, आप ये पैसा आपका नहीं है, ये तो कृष्णा का है, दे दो, तो वो एकदम से लड़ना स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए उनसे बहुत स्मार्टली ये बोल करके ना कि एकदम भिक्षु की तरह कि हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास धन नहीं है, ऐसे प्रिटेंड करना चाहिए, और उनको फिर धीरे धीरे समझाना चाहिए कि ये मतलब फर्स्ट पॉइंट ये होना चाहिए माता जी कि हम उनसे अच्छे कर्म कैसे करवाएं ताकि वो लड़ने भी ना आए और उनको धीरे धीरे ज्ञान भी दे दें। नाउ यू बिकम इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट आंसर। अंबिका ने बात एक्सप्लेन की, तो एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सुंदर एक एग्जांपल दिया, तो वो बच्चे का एग्जांपल थोड़ा क्लियर करें। माता जी, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल प्रभुपाद दे रहे हैं कि अगर एक बच्चा $100 ले ले तो हम उसको बहुत ही स्मार्टली बोलेंगे कि ये उसको, क्योंकि ज्ञात तो है नहीं क्या चीज उसके लिए है, तो मतलब हम उसको उसको जो पसंद है कि मीठी गोलियां ले लो और ये तो एक कागज का ही टुकड़ा है, ये मुझे दे दो, तो कहेगा हाँ, तो वो दे देगा। तो जो दो पैसे की गोलियां वो के लिए $100 का नोट वो जो होगा वो हमें लौटा देगा, तो हमें ऐसे भिक्षा मांगनी चाहिए। वेरी नाइस। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है कि सभी संपत्ति भगवान की है, तो हमें भगवान की आज्ञा का पालन करके ही उनका उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि बाकी जो सिद्धांत है उसको चर्चा तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि जो मूर्ख होते हैं वो जैसे बीन ह्यूमन, मैंने आज का एग्जांपल बताया, उनको अगर आप बताएंगे तो वो कहेंगे ह्यूमन लेकिन करें कैसे, उनको पता ही नहीं है पशु वध कर रहे हैं, हम बीन ह्यूमन बनना है, तो इस तरह के लोग हैं। और प्रभुपाद ने ये बोला कि हमें प्रयास करना चाहिए, अपराध से बच के रहना चाहिए और गुरु के प्रति कभी भी मतलब द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए, बल्कि ईमानदार होना चाहिए।
सतगुरु हमें निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें पापों से बचना चाहिए।